जिस दिन सच में मेरे सामने भूत आया ना, तो मां कसम चूड़ियां पहन लूंगा चूड़ियां। फाइनली दोस्तों, कल इंडियन सिनेमा की कई सारी ऑफिशियल वेबसाइट ने बॉलीवुड के खिलाड़ी भैया अक्षय कुमार की ब्लॉकबस्टर फिल्म लक्ष्मी को ब्लॉकबस्टर का टैग दे दिया है और उन सभी का मुंह बंद करा दिया है जो कि आज भी इस फिल्म को फ्लॉप बता रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं इस फिल्म के ऑनलाइन कमाई के बारे में, बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कितनी कमाई की है और साथ ही साथ जानने वाले हैं कि इस फिल्म का जो प्रॉफिट है वो अब और कितना हो चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको बॉक्स ऑफिस, बॉलीवुड, साउथ फिल्मों की न्यूज मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं फिल्म लक्ष्मी की, जो कि एक साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म कंचना की ऑफिशियल रीमेक है, ना कि कॉपी है। इस फिल्म का डायरेक्शन दोस्तों राघव लॉरेंस ने किया है और राघव लॉरेंस ने ही अक्षय कुमार सर को इस फिल्म में लिया था। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को 60 करोड़ रुपए के बजट से बनाकर तैयार किया गया है और इस फिल्म के लीड में आपको सुपरस्टार अक्षय कुमार सर के अलावा ब्यूटीफुल कियारा आडवाणी, शरद केलकर और राजेश शर्मा जैसे टैलेंटेड एक्टर्स नजर आए हैं। अगर बात करें दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस फिल्म के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म व्यूज के बारे में और कलेक्शन के बारे में, तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस फिल्म को अपने पहले दिन तो धमाकेदार ओपनिंग मिली। 9 नवंबर के दिन ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी, जहाँ पर इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन सबसे बड़ी ओपनिंग लेने का रिकॉर्ड बना दिया और अक्षय कुमार के स्टारडम की वजह से डिज्नी प्लस हॉटस्टार को 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स अपने पहले ही दिन मिल चुके थे। इसी से दोस्तों इस फिल्म की जो कमाई थी वो लगभग 150 करोड़ ये हो चुके थी। वहीं अगर बात करें दोस्तों हम लोग यहाँ पर अब तक के इस फिल्म के जो टोटल व्यूज है उनकी, तो अक्षय कुमार सर की इस फिल्म का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो टोटल व्यूज काउंट है वो 260 मिलियन से भी ज्यादा हो चुका है। यानी कि दोस्तों अब तक इस फिल्म को लगभग 26 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डाउनलोड करके देख चुके हैं, जिससे कि इस फिल्म के मेकर्स और डिज्नी प्लस हॉटस्टार को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है और ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 280 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है। वहीं अगर बात करें दोस्तों तो हम लोग यहाँ पर अब इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार 18 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं अपने पहले वीकेंड में यह फिल्म 48 करोड़ रुपए की कमाई के साथ एक सुपरहिट का टैग हासिल कर चुकी थी। अगर बात करें हम लोग यहाँ पर इस फिल्म के वीकडेज और वीकेंड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने चौथे दिन कमाए थे 14 करोड़ 30 लाख रुपए, पांचवें दिन के जो कलेक्शंस थे उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और इस फिल्म ने कमाए 14 करोड़ 50 लाख रुपए। वहीं अपने छठे दिन दोस्तों इस फिल्म ने कमाए थे 15 करोड़ 10 लाख रुपए। इस तरह से दोस्तों ये फिल्म अपने शुरुआती 6 ही दिनों में 91 करोड़ 10 लाख की कमाई के साथ अक्षय कुमार के करियर की एक और ब्लॉकबस्टर बन चुकी थी। अगर बात करें हम लोग यहाँ पर इस फिल्म के 7वें 8वें और आज यानी कि 9वें दिन के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि दीपावली के बाद धूप पड़वा की छुट्टी वाले दिन इस फिल्म ने कमाए हैं 16 करोड़ 80 लाख रुपए और वहीं दोस्तों इस फिल्म का जो कल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो रहा है 11 करोड़ 10 लाख रुपए का। इस तरह से इस फिल्म का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो अपने शुरुआती 8 दिनों का हो जाता है 118 करोड़ रुपए का और दोस्तों ये फिल्म आज अपने 9वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है और लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए के बीच की कमाई आज भी बॉक्स ऑफिस पर कर सकती है। इस तरह से इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो लगभग 124 से 125 करोड़ का हो जाता है और अक्षय कुमार की ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है और सभी का मुंह बंद करा चुकी है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर और इंडियन सिनेमा के कई सारे रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या 200 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।